5 जुलाई 2024 के मुख्य समाचार। गर्वन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिखाया है कि डीएनए के गैर कोडिंग हिस्सों में कैंसर पैदा करने वाले जीन हो सकते हैं। ये पुराने विचार के खिलाफ है कि ये हिस्से सिर्फ कचरा थे। रेडिकल CAR-T थेरेपी, इसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी कहते हैं। ये कैंसर का इलाज करने का एक नया और अनोखा तरीका है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्र मिली है। हर साल 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में अंतर धार्मिक जागरूकता बढ़ाई और हिंदू धर्म को प्रमुख विश्व धर्म बनाया। रामकृष्ण मिशन शिक्षा और समाज सेवा के काम करता है और अद्वैत वेदांत का पालन करता है। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका आदर्श वाक्य है आत्मा का मोक्ष और दुनिया का कल्याण। धन्यवाद।